हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज में अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना हो और सी प्लस प्लस में बनाना हो तो इन दोनों का कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है और दोनों को प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना हो तो तरीका तो यही होगा, प्रोग्राम लिखने का प्रोसीजर तो यही होगा, बस आपको ये आना चाहिए कि लॉजिक क्या, लॉजिक कैसे बनाना है, लॉजिक आपको समझना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा ये प्रोग्राम है, इसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले मैं टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ और इसी पे हम अपना प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो यहाँ से न्यू फाइल चूज करूंगा मैं और यहाँ पर हम अपनी कोडिंग लिखेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ आपको सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग, ठीक है, फिर बताऊंगा सी की प्रोग्रामिंग, दोनों हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले सी प्लस प्लस देखते हैं कि सी प्लस प्लस में हम कैसे ये प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा हेडर फाइल जिसका नाम है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। फिर नीचे आएंगे तो यहां पर कोनियो डॉट एच आप लगा सकते हैं, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। और नीचे आएंगे तो फिर यहां पर हमें वाइड मेल लगाना होगा, वाइड एक कीवर्ड होता है, मेन हमारा मेन फंक्शन होता है, इसके बिना प्रोग्राम रन नहीं करेगा। वाइड आप ना भी लगाएं लेकिन मेन फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और यहां पर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सी एल आर एस सी आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे यहां पर अब हमें देना है, ठीक है, वेरिएबल्स बनाने हैं तो हम इंटीजर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू क्या होती है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इंटीजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो प्लस या माइनस में वैल्यूज कंटेन करती है, पॉइंट में वैल्यू कंटेन नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पे वेरिएबल बना लिया हमने एबीसी, आप देख सकते हैं एबीसी हमने वेरिएबल बना लिया और यहां से सेमीकोलन लगा करके इसको कर दिया टर्मिनेट। सी लैंग्वेज में हम लगाते हैं प्रिंट एफ, यहां लगाएंगे सी आउट। ठीक है, और यहां पर हम देंगे वो चीज जो हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं एंटर टू नंबर्स, ये हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने दे दिया यहां पे, ठीक है, कोलन लगा देते हैं और कोलन लगा करके तब इस स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और देन इसको करते हैं टर्मिनेट। ठीक है, और नीचे आएंगे अब यहां सी इन लगाएंगे, तो सी इन लगा दिया हमने और सी इन लगाएंगे तो ये जो साइन है ना, ये आपने एंगुलर ब्रैकेट का जो साइन दिया है इसको उल्टी दिशा में देना है। ठीक है, ऐसे देना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर हम क्या देंगे, यहां के तो पहली वैल्यू जाएगी ए में और दूसरी वैल्यू जाएगी बी में, तो ये हमने करा लिया यहां पे। ठीक है, और इसको करेंगे टर्मिनेट और नीचे आएंगे अब इसको करना है हमें डिफाइन, तो यहां पे करते हैं डिफाइन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये कर दिया हमने डिफाइन। ठीक है, और अब नीचे आप आएंगे तो यहां पर, ठीक है, प्रिंट कर, जैसे हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एफ लगाते हैं ना, वैसे यहां पे लगाएंगे सी आउट, आउटपुट के लिए सी आउट लगा दिया हमने और यहां पे लिखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और वो कहां जाके स्टोर होगा, वो सी में जाके स्टोर होगा। अब यहां पर आपको करना है टर्मिनेट यानी सेमीकोलन लगाइए, आपका काम हो चुका है। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको देना है गेट सी एच ताकि स्क्रीन पॉज हो सके, यहां पे लगा दिया हमने गेट सी एच ताकि स्क्रीन ठहर सके, रुक सके। ठीक है, नहीं तो आपका आउटपुट आते ही वो गायब हो जाएगा। यहां पे अब आपको क्या करना है, वो नाम देना है, जैसे हम इस पर लिखते हैं एड, एड नाम से हम ये प्रोग्राम हमने बनाया, तो यहाँ पे डॉट सीपीपी होगा, बाय डिफॉल्ट ये डॉट सीपीपी ही रहता है, आप ना भी लगाइए इस पे एक्सटेंशन तो सीपीपी ये रहेगा। अब यहां से इसको कंपाइल करवाते हैं, तो कंपाइल करवाया, ये लीजिए हमने कंपाइल करवा दिया तो ये सक्सेस हो गया, और यहां से करवाएंगे इसको रन तो ये रन भी हो गया। तो यहां कह रहा है एंटर टू नंबर्स, तो पहला नंबर एंटर कर दिया सिक्स, दूसरा नंबर एंटर कर दिया एट, तो इन दोनों का एडिशन यहाँ पे होकर के आ जाएगा। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, चूंकि हम यूज कर रहे हैं सी प्लस प्लस तो इस तरह का कुछ हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे लिखना होगा जैसे ये, तो कॉमा हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, यहाँ पे कोलन लगा करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट वाला साइन बना करके और यहाँ पे सी लिखेंगे, तब यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब इसको सेव करेंगे हम, दबाइए, ये सक्सेस हो गया और कंट्रोल के साथ F9 दबाइए, ये रन भी हो गया। अब यहाँ दो नंबर एंटर करते हैं तो ये देखिए दो नंबर्स का एडिशन होके आ गया, 8 और 6 14। ठीक है, फिर इसको रन करवाएंगे कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे,
तो यहां पे ये रन हो जाएगा। अब जैसे 77 यानी 77 में 8 ऐड करना है तो यहां पे इसमें ये 8 ऐड करके दे देगा। इस तरीके से हमको ये करना है। तो ये बात रही C++ की। अब आइए C लैंग्वेज की बात करते हैं। C लैंग्वेज की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना होगा, इन सबको इरेज कर देता हूं मैं फिर से आपको दोबारा से बताता हूं C लैंग्वेज इन कंपैरिजन कैसे हम देखेंगे। यहां पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखते थे, C लैंग्वेज में लिखना होगा हैश इंक्लूड stdio डॉट एच यानी स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं इसको, और डॉट एच जो हेडर फाइल होती है। यहां पे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है, और यहां पे वाइड मेन देंगे, वाइड मेन हमारा मेन फंक्शन होता है। यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां पे इंटीजर वैल्यू हम ले लेंगे ए बी सी, सेम वही चीज, टर्मिनेट करेंगे इसको और सी एल आर एस सी आर लगाएंगे ताकि पुराना आउटपुट हट जाए, क्लियर होता रहे स्क्रीन हमारा। इंटर करके नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो यहां पे लिखना है हमें प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, ये लिख दिया हमने, इसको करिए क्लोज, टर्मिनेट कीजिए, स्कैनफ लगाइए, यहां पे लिखिए परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। इतना करने के बाद यहां पे करिए इसको टर्मिनेट और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इसको डिफाइन करिए। डिफाइन कर दिया हमने। देखिए तरीके कुछ अलग है, वहां पे हम क्या लिखते थे प्रिंटएफ की जगह लिखते थे सी आउट और यहां पे स्कैनअप की जगह लिखते थे वहां पे हम सी इन, लेकिन यहां पे प्रिंटएफ और स्कैनअप का प्रयोग हो रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद से हेडर फाइल अलग थी हमारी, वहां पे सी प्लस प्लस में आईओ स्ट्रीम डॉट एच होता था, कोनियो डॉट एच तो उसमें भी होता था, बाकी सारे फंक्शंस उसमें भी होते थे, लेकिन ये जो stdio डॉट एच है ये हटा देते थे हम, और यहाँ पे प्रिंटएफ और स्कैनअप वाला चीज नहीं रहता था वहां पे। तो आइए अब यहाँ पे प्रिंटएफ लगाते हैं और हम अपना आउटपुट प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। लिखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज परसेंट डी, ठीक है, ये लिख दिया हमने, कॉमा दिया। अब यहां सी में जाके वैल्यू स्टोर होगी, टर्मिनेट करेंगे और यहां पे लगा देंगे अब गेट सी एच ताकि स्क्रीन हमारी ठहरी रहे, पॉज रहे, ताकि हम आउटपुट देख पाए इसका। लिखेंगे डॉट सी, ठीक है, यस। यहां से इसको कंपाइल करवाते हैं तो ये सक्सेस हो जाएगा और दोबारा से रन करवाते हैं तो ये रन भी हो जाएगा, देखिए। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपको, देखिए इसको ऐड करवाता हूं तो देखिए 7 और 9 और 7 का एडिशन जो है 16 आ रहा है। आइए फिर से इसको रन करवाते हैं, यहां पे 77 और यहां पे 90 यानी इन दोनों का एडिशन यहां पे होकर के आ गया। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से दोनों अलग हैं और कैसे सी लैंग्वेज से ही डेरिवेट होकर, देखिए सी लैंग्वेज से डेरिवेट होकर बनी है सी प्लस प्लस, बनी है जावा, ठीक है। तो सी लैंग्वेज से मिलती जुलती बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन है, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको दिखाया कि इसमें आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल यूज होती है, उसमें stdio डॉट एच यूज होती है, प्रिंटएफ के लिए उसमें सी आउट यूज होता है सी प्लस प्लस में, और स्कैनअप के लिए जो है सी इन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटएफ और स्कैनअप लगाया जाता है, ये सारे जो है डिफरेंस है इसमें। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।